हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं अपने चैनल संगीताज चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए आपका स्पेशल हॉल, और जो कि है मेकअप से रिलेटेड। इसमें मैं मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि मैंने अपने लिए मंगाए हैं और मीशो से ही मंगाए हैं। तो चलो जल्दी से हम इन्हें ओपन करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे आए हैं। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो गाइस, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मैं उनको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता दूं कि यहाँ मैं जो है हॉल्स लेकर आती हूँ आपके लिए, मीशो के अमेज़ोन हॉल्स, सारे हॉल, मतलब कि फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और जो है मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ मीशो हॉल, वो भी आपका स्पेशल जो है मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो चलो हम इन्हें फटाफट खोल के देख लेते हैं कि कैसे आए हैं। और जो गाइस फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जिन्होंने विजिट किया है, तो मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो छोटा सा हॉल होने वाला है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फटाफट से हम खोल के देख लेते हैं और उनका रिव्यू भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको ये मश्कारा, ठीक है। ये मश्कारा है जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, और ये मास्क का मश्कारा है देखो। और ये ना जो है मैं आपको कैटलॉग शो कर दूंगी, यहाँ मीशो पे मुझे मॉल जो है वहाँ से रिसीव हुआ है ये। और सच में गाइस ये कोई कॉपी नहीं है, ये रियल ब्रांड है, मतलब कि रियल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। आ रहा है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, और मैं पहले मश्कारा यूज़ करती थी, कैमियो का मश्कारा यूज़ करती थी जो कि बहुत अच्छा होता है वो भी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है मास्क का। और जो मास्क का मश्कारा है, इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो है नेचुरली मॉइस्चराइजिंग बी वैक्स टू नरिशिंग लैशेस, ठीक है। ये बना हुआ है फेबुलस मश्कारा इज मेड विथ नेचुरली मॉइस्चराइजिंग बी वैक्स टू नरिशिंग लैशेस। तो ये बी वैक्स के से जो है बना हुआ है नेचुरली, और जो है जो आई लैशेस को भी नरिश करता है। ये 18 हवर्स तक आपकी आईज को जो है वो फोल्ड रखेगा। इसमें इसका प्राइस 229 है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आया है जो कि ऊपर से लॉक है, तो इसको मैं ओपन कर देती हूँ। और ये 12 ml है, ठीक है। ये इस टाइप से है, लुक देखो बहुत सुंदर लग रहा है इसका। और ये 12 ml है, कुछ इस टाइप से आया है। और जो ये सेमी सॉलिड सा लग रहा है, थिकनिंग जो है क्रीमिश इसका टेक्सचर है, और ये बहुत प्यारा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अप्लाई करके देख लेती हूँ ये कैसा है। और जो इसके ब्रिसल्स हैं, ये कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है, बहुत सुंदर है गाइस, ठीक है। और मैं अप्लाई करके दिखा दूँगा आपको, मैं आईज पे इस टाइप से अप्लाई होगा, गाइस ये स्मूथली अप्लाई हो रहा है, बहुत वाओ गाइस, रियली बहुत प्यारा है ये देखो। एकदम इसने मेरी जो आईलैशेस हैं वॉल्यूम दे दिया है, और कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल लैशेस जो है इस लैश में और इस लैश में आपको बहुत फर्क लग रहा होगा, देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिख गया होगा। मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, देखो कितना डिफरेंस है, कितना अच्छा वॉल्यूम दे दिया है इसने, कवरेज देखो कितनी अच्छी है इसकी। और बिल्कुल ये जो है दूसरे लाइनर्स, दूसरे मश्कारा की तरह नहीं है, बी वैक्स से ही बना है, तो बिल्कुल टेक्सचर वैसा ही है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सेकंड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, ओके। तो गाइस देखो कितनी अच्छी इसने कवरेज दी है, तो बहुत अच्छा है ये मश्कारा, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहें तो ज़रूर से ले सकते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा है, ओके। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगाई थी, ये आईलाइनर, और ये इस टाइप के बॉक्स में आई हैं, ठीक है।
इसमें कैटलॉग शो कर दूंगी मैं, ये वाला मैंने जो है मंगाए थे और इनका प्राइस भी इसी में आपको शो। तो मुझे ये शिमरी टाइप्स के आईलाइनर्स जो है मैंने मंगाए थे, ये 4 पीसेस जो है मुझे रिसीव हुए हैं, ठीक है, ये 4 पीसेस जो है मुझे रिसीव हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर इनका कलर है। फर्स्ट सिल्वर, पिंक, गोल्डन और येलो, ठीक है, येलो नहीं गोल्डन ही है, और ये है ग्रीन कलर। तो ये 4 कलर्स में मुझे मिले हैं जो कि बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, और ये कलर्स मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये देखो कितनी प्यारी सी इनका प्यारा सा जो है इनका शेप है, ठीक है, इस टाइप के मुझे रिसीव हुए हैं। तो अपने हैंड पे लगा के दिखा देती हूँ सारे, फर्स्ट यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो ग्रीन, बहुत प्यारा टेक्सचर है गाइस इनका, बहुत अच्छा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो है वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है, ये आपको वाटरप्रूफ नहीं मिलेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसका टेक्सचर भी देख लो, वाओ गाइस, मैं एक बार लगा लेती हूँ सारे, उसके बाद मैं आपको सारे इकट्ठे दिखा दूंगी। पिंक, सिल्वर, ठीक है, ये देखो ये सिल्वर कलर है गाइस, मुझे वैसे बहुत प्यारे हैं इनका। एंड लास्ट ये गोल्डन कलर, तो मैं आपको अपने आम से ही दिखा देती हूँ एक बार, अगर आपको दिखेगा तो। ये देखो कितना प्यारा है, ग्रे, पिंक, देन सिल्वर, देन गोल्डन, बहुत प्यारा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, ठीक है। और देखो मैंने जो है अपने आईलाइनर जो है लगाई हुई है, और इसको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई तो उसमें भी लगाया हुआ था मैंने, एटलीस्ट मुझे हो गए होने 5-6 घंटे मुझे हो चुके हैं लगाए हुए को, फिर भी कितना अच्छा है, अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने जो है कोरियन एयररिंग्स के ऊपर, जो कि मैंने उनमें से एक पीस डाला हुआ है, और अगर आपको वो वीडियो कोरियन स्टाइल एयरिंग्स कलेक्शन देखना है तो प्लीज जो है मैं आई बटन पे उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, ये बहुत प्यारे कलर हैं, बहुत प्यारे जो है आईलाइनर्स हैं, और इनका प्राइस ओनली आप देखोगे ना तो बहुत ही कम है, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 125 कुछ करके इसका प्राइस था, तो आप देख लेना ऊपर, बहुत जो है अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये लगे। इतने प्राइस में तो ओनली 1 आईलाइनर मिलती है, और ये हमें 4 पीसेस मिले हैं। बस इसमें 1 ड्रॉबैक इज दिस कि जो है ये वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है, तो बाकी आप अगर हैंडल कर सकती हो देखो अच्छे हैं, और अब तक भी मेरा जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, इतना टाइम हो गया है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये। और गाइस आज मैंने बिल्कुल भी अपने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं किया, वैसे मैं अपने फेस पे जो नॉर्मल कॉल्स वीडियोस बनाती हूँ जो भी है उन पे मैं अपना बिल्कुल भी मेकअप पे जो फेस पे अपना मेकअप अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं जो है अगर हम डेली मेकअप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो, या गाइस अपनी स्किन जो होती है बहुत नेचुरल होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसको हमें केयरिंग की जरूरत होती है, तो जो है ये केमिकल्स अप्लाई करने से ना अपनी स्किन जल्दी खराब होती है, तो बेटर है कि अगर आप डेली यूज में अपने जो है इन प्रोडक्ट्स को यूज ना करें। हाँ अगर कोई पार्टी है, फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो आप तैयार होना है, आपको कहीं अच्छे से वेडिंग में जाना है ना, तो फिर आप डेफिनेटली इनको ले सकती हो, आप ट्राई करो, क्योंकि गाइस यार लेडीज और मेकअप का तो बहुत बड़ा कनेक्शन है, आप सोच सकती हो कि हाँ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं लेडीज मेकअप से, होना भी चाहिए क्योंकि अपने अच्छा लगना जरूरी है, बट अपने स्किन केयर भी बहुत जरूरी है। डेली ये प्रोडक्ट्स यूज मत किया करो, कि मास्क का ही आया था और इस पे टेप भी मास्क की लगी हुई है, तो इसमें मैंने मंगाया था प्राइमर और मेकअप फिक्सर, ये दोनों जो है कॉम्बो पीस थे, ये भी मास्क का है, और मीशो पे ये जो था ये मॉल के सेक्शन में ही मुझे मिला था, ठीक है, तो
यहाँ पे कैटलॉग भी आप देख सकती हो और मुझे बिल्कुल ठीक लगा, दोनों ही मुझे अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको ट्राई किया जाए। और ठीक है, मास्क का भी प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो मस्कारा भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, जो कि नेचुरल लगा, बीवैक्स से बना हुआ है। और अदर केमिकल्स तो देखो हर प्रोडक्ट में होते हैं, कोई भी अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट भी लोगे तो पूरा नेचुरल जो है नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बना होता है, वो उसमें कुछ ना कुछ जो है केमिकल मिक्स होते ही हैं, ठीक है। तो ये देखो इतनी सुंदर पैकिंग में आया है, बहुत सुंदर पैकिंग है, ठीक है। और इसमें दोनों के बारे में बताया हुआ है पीछे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फेस प्राइमर के बारे में भी और जो है फिक्सर के बारे में भी, दोनों के बारे में लिखा हुआ है। और फ्रंट से भी आप देख सकती हो जो है प्राइमर है और ये फिक्सर है, ठीक है। और जो प्राइमर है गाइस, इसमें लिखा हुआ है द मास 24 के गोल्ड फेस प्राइमर इज अ मेकअप बेस प्राइमर दैट हाइड्रेट एंड एब्जॉर्ब्स ऑयल्स टू कीप योर मेकअप लास्ट लॉन्ग, ठीक है। तो इस ये जो है मास्क 24 के गोल्ड फेस प्राइमर है, इस नाम से है ये। और इन्होंने बोला है कि ये जो है बेस प्राइमर है और आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, अब जो आपके स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके मेकअप को जो है लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। तो इसलिए जो है जो फेस प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हाउ टू अप्लाई है वो भी स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स है वो भी बताए हुए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मेकअप फिक्सर है, जो कि इसमें लिखा हुआ है लॉक इन योर मेकअप लुक्स विद द मास 24 के गोल्ड मेकअप फिक्सर, ठीक है, कि अपने मेकअप को आप 24 के गोल्ड मेकअप फिक्सर के साथ लॉक कर सकती हो। और ये जो है 16 आवर्स के लिए आपको जो है मेकअप को आपको सेट कर देगा, फिक्स कर देगा, ठीक है। तो इनकी जो क्वांटिटी है ये 2-in-1 में आया है, मतलब कि आपको प्राइमर भी मिल गया है और फिक्सर भी मिल गया, ठीक है, मेकअप फिक्सर भी है प्राइमर भी है। इसके पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ है 429, ठीक है। और जो मीशो पे मुझे मिला है वो मैं आपको दिखा दूंगी, साइड में लिखा हुआ है, तो ऊपर से ऐसे लॉक टाइप का कुछ है, इस टाइप का है, देखो गाइस ये इस टाइप का आया था, इसके अंदर इस टाइप के फिक्स था ये। गाइस इसकी पैकिंग देखो बहुत प्यारी है ना, और ये तो कितना सुंदर लग रहा है। जो प्राइमर है ये 30 ml की बॉटल है और जो फिक्सर है ये मेकअप फिक्सर है ये 35 ml की बॉटल है, ठीक है। नेट वेट, इसका नेट वेट जो है देखो गाइस, इसमें 35 ml लिखा हुआ है फिक्सर जो है, और जो ये जो प्राइमर है हमें मिला हुआ है वो नेट 30 ml मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो बॉटल है गाइस जो है कांच की बॉटल है, ठीक है, ग्लास। वाओ यार, इसकी कंसिस्टेंसी जो है जेल टाइप की है, ये देखो जेल टाइप का है ये, आपने इसको डिप करके इसमें लेना है। और बहुत ये देखो गाइस कुछ इस टाइप का है ये, बहुत प्यारा है, ये जेल है, ठीक है, जेल टाइप में है, वैसे जेल टाइप में होता है बट ये बहुत थिक है। प्राइमर जो है मोस्टली जेल टाइप में ही होती हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा थिक है, तो अगर हम इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाएंगे इट्स इनफ फॉर, है ना, इट्स इनफ फॉर अस, बहुत ज़्यादा है। और आप इसमें देख सकती हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, इसमें गोल्डन कलर के जो इसमें बताया था उस टाइप का कुछ लगा हुआ है, जैसे इस बॉटल में दिख रहा है ना आपको पूरे में गोल्डन गोल्डन शिमर टाइप दिख रहा है ना इसके अंदर, तो सेम जो इसने इन्होंने बोला है 24 के गोल्ड डाला है, पर ऐसे कोई रियल में डालता नहीं है बट देखने में जो है ऐसा ही लग रहा है। टच करने पे भी बहुत स्मूदी है, फेस पे अगर हम इसको अप्लाई करें, इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ही अप्लाई कर लेना, ठीक है, तो ये पूरे में ही अप्लाई हो जाएगा। गाइस ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैंने जो ले लिया है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इतना लिया था, बट मैं इसको लगा लेती हूँ अपने फेस पर एज अ प्राइमर, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है अपने फेस पर,
बट मुझे गाइस काफी टाइम हो गया है तो मैंने बिना फेस वॉश किए ही इसको अप्लाई कर लिया है गाइस। सी हमें इसकी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी ही इनफ है, आप देख सकते हो। लेट्स सी, बहुत अच्छा प्राइमर है गाइस, बहुत अच्छा। मैंने बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में इसको लगाया क्योंकि बाकी तो मैंने अपने हाथ पे ही लगा लिया है। मैं अपने स्किन पे कुछ भी जो है एक्स्ट्रा नहीं लगाती, फेस पे सिर्फ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है पॉन्ड्स की वो यूज कर लेती हूँ, बाकी मैं कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती। जब कहीं पार्टी फंक्शन होता है तभी जो है यूज करती हूँ कुछ जो प्रोडक्ट्स अपने, बाकी जो है बहुत प्यारा है गाइस, बहुत प्यारा है। मैंने लगाया तो आप इसको देख सकते हो कितना प्यारा जो है लग रहा है, और बिल्कुल आपको इसका टेक्सचर दिख गया होगा कितना अभी से ही मेरी स्किन जो है वो ग्लोइंग सी हो गई है ना, ग्लोइंग करने लग गई है। बल्कि इससे ग्लो स्किन ग्लो तो जो है नहीं करती, बट जो है ये एक बेस तैयार हो जाता है हमारा, स्किन जो है हमारी स्किन को प्रैप कर देती है, मेकअप करने के लिए हमारी स्किन को रेडी कर देती है, प्रैप कर देती है, ताकि अपने स्किन जो है उसको नरिश अच्छे से मिल सके, है ना। ओके तो ये था हमारा प्राइमर, तो ये है हमारा मेकअप फिक्सर जो कि इतनी छोटी सी बॉटल है, इट्स इनफ फॉर अस, है ना। और इसको हमने ऐसे खोलना है, और ये स्प्रे बॉटल होती है, तो ऐसे करके हमने अपने मेकअप को, कभी भी आपने अगर प्राइमर फिक्सर लगाना होता है तो अपनी आईज को क्लोज करके लगाना होता है, ठीक है। ठीक है ऐसे करेंगे तो देख लेते हैं ये स्प्रे भी हो रहा है कि नहीं, यस हो रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसे करना है, इट्स इनफ गाइस, बहुत जो है एक स्प्रे से ही आप एक बार के स्प्रे से ही आप अपने मेकअप को ना पूरा कवर कर लोगे, बहुत अच्छे से जो है स्प्रिंग हुआ ये अच्छे। ये देखो तो अब थोड़ा सा मैंने बल्कि कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस पे, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैंने लगा दिया, ठीक है। और देखो कितनी अच्छी है, तो इसके बाद जब हम फिक्सर लगा देते हैं ना तो अपने स्किन को ऐसे टच नहीं करना होता, ठीक है, मेकअप खराब हो जाएगा, नहीं तो आपका जैसा है वैसे ही रहने देना और उसको ड्राई होने देना, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए टच कर लिया क्योंकि मैंने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो ऐसे ही करके हमने अपने मेकअप को फिक्स कर लेना है थोड़े टाइम के लिए जब तक ये ड्राई होगा। ओके तो ये दोनों प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छा है। तो मेरी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ये मीशो से मैंने अपने लिए मंगाए थे, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं थे वो ही मैंने मंगाए हैं, बाकी मैंने जो मेरे पास हैं वो मैंने नहीं मंगाए। ओके और इसका बहुत सुंदर सा देखो लुक है, एक साइड आपका प्राइमर बना हुआ है, एक साइड आपका फिक्सर बना हुआ है, बहुत सुंदर है, आई लव दिस। नेक्स्ट ये मैंने मंगाया था आई लैशेस जो कि इस टाइप से आई है मेरे पास, ठीक है, और एक बॉक्स में आई थी, इसको बॉक्स को मैंने निकाल दिया। ये मुझे रिसीव हुए हैं 5 पीसेस, ठीक है, जो कि है रेड चेरी 3D आई लैशेस, ठीक है, सारे 002 नंबर मुझे रिसीव हुए हैं। ये देखो इस टाइप से आई हैं आई लैशेस, बहुत मैं 2 पीसेस दिखा देती हूँ क्योंकि सारे मुझे सेम लग रहे हैं, बाकी शायद कोई डिफरेंस हो इनमें, तो मैं एक एक करके दिखा देती हूँ आपको। सारे इस टाइप की आई लैशेस जो हैं आई हैं, ठीक है, बहुत सुंदर हैं, मैं आपको 2-2 करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे ये पड़ी है मुझे 127 की, ठीक है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस लगा। 127 में अगर आपको 5 आईलैशेस मिल रही हैं विद ग्लू तो बहुत ही जो है बहुत अच्छा रीजनेबल प्राइस है, वर्थ इट है, ठीक है। और आपका इस देखो अगर आप शॉप पे जाओगे ना तो ये सिंगल पीस आपको 50 रुपीज़ का मिलेगा आई थिंक, तो अगर आप 5 पीस लगा लो तो आपको 50 रुपीज़ का 1 पीस लगेगा, तो आप 5 पीसेस के लगा लो कितने आपको, ठीक है, चार्जेस करने पड़ेंगे।
और जो है आईलैशेस बहुत सुंदर है, मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। बाकी सारे ही थोड़ा थोड़ा मुझे इसमें ना डिफरेंस लग रहा है, कोई हैवी है ज़्यादा और कोई थोड़ी, ठीक है ये देखो दोनों के बीच में लाइट सा डिफरेंस है, अगर आप देख सको। ये वाली थोड़ी थिक है जो ज़्यादा मतलब कि डार्क लग रही है, और ये थोड़ी कीची लग रही है, थोड़ी लाइट सी लग रही है ना। तो देखो थोड़ा थोड़ा शायद डिफरेंस होगा, तो मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। इसमें से इस टाइप की लैशेस आई हैं, अगर आप क्लोजली इसको देख सकते हो तो ठीक है। और ये इसका जो है ग्लू है जिसके साथ हम इसको जो लगाएंगे, ठीक है। लगाने का पैटर्न जो है ग्लू के पीछे दिया हुआ है कि हमने कैसे लगाना है। फर्स्ट इस पर ग्लू लगाना है, उसके बाद इसको टर्न करना है थोड़ा सा हॉर्स शू जो है शेप में, उसके बाद इसको बीच से पकड़ के अपने आई के यहाँ ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। गाइस इस पर ना आई थिंक ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले से इस पर ग्लू लगा हुआ है और बहुत ही जो है थिन आईलैश, ठीक है। बहुत प्यारी है गाइस, बहुत प्यारी है, सुपर सुपर से भी सुपर है गाइस, बहुत प्यारी है। इतनी प्यारी आईलैशेस आपको इतने कम प्राइस में बहुत बेनिफिट है गाइस। चलो मैं इसको एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ओके गाइस मैंने फाइनली लगा लिया है और ये इतनी सुंदर लग रही है ना, ये देखो गाइस बहुत प्यारी लग रही है। और ये इतनी इजी है यूज करने में, बिल्कुल ही आप इसको ना बड़े आराम से यूज कर सकते हो। इस पे अभी मैंने ना ग्लू भी नहीं लगाया हुआ है, इस पे ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है, आपको मैं एक बार रिमूव करके दिखा देती हूँ। और इसको ना आप रीयूज कर सकती हो दोबारा, एक बार यूज करके इसको दोबारा रीयूज कर सकते हो आराम से, और बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही है, आराम से जो है ये देखो इसको ऐसे आप उतारोगे ना ऐसे उतर जाएगी, ठीक है इस टाइप से देखो बिल्कुल ही। और इस पर ऑलरेडी ग्लूज इस टाइप से उतर जाएगी, ठीक है। आप इसको आराम से उतारो, ऐसे उतर जाएगी। इसको आप थोड़ा सा फोल्ड करो, ठीक है इस टाइप से आपने फोल्ड करना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें ग्लू जो है खत्म हो रहा है तो आप इसको ग्लू जो है इस पर लगा सकते हो, ठीक है। बाकी जो है देखो कितने आराम से मैंने इसको लगा लिया, एक मिनट में लगा लिया, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने ये बिना ग्लू के ही लगाया है और ये इतने अच्छे से लग गए हैं, बट आप जब लगाओगे ना तो इसको ग्लू के साथ लगाना। अभी तो बस मैं टेम्परेरी आपको लगा के दिखा रही हूँ और ये इतनी अच्छी लग रही है गाइस, देखो बहुत ही प्यारी ये लग रही है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और अभी तक तो मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो मैंने बनाई नहीं है, तो देखो अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ठीक है। और ये थोड़ी सी आगे से अभी निकल रही है क्योंकि मैंने ना आईलाइनर लगाई थी पहले, तो उसकी वजह से ये अच्छे से चिपकी नहीं। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे ना तो फर्स्ट आपको आईलैशेस लगानी है, उसके बाद आईलाइनर अप्लाई करना है, ठीक है, जो भी इसको बस एक शेप देने के लिए ऊपर से अप्लाई करना होता है। तो बाकी ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लग रही है। और अभी भी आप खुद सोचिए कि मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं किया है, विदाउट मेकअप है, ओनली आईलैशेस से ही अपना लुक जो है कितना चेंज हो जाता है ना गाइस, बहुत ही प्यारी लग रही है, ठीक है। तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं कैसे लगे। और लास्ट में आपको एक इसके बारे में बता देती हूँ, ये मैंने वैसे काफी टाइम पहले लिया था, ठीक है, मीशो से ही। इसका मैं आपको जो है कैटलॉग शो कर दूंगी। और ये भी बहुत प्यारे इसमें जो है कलर्स हैं, ठीक है, बहुत प्यारे कलर्स हैं गाइस। देखो मैंने यूज कर चुका है इसको, काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ और अब तक भी इतना सुंदर है ये, मतलब कि अब तक भी ये फिनिश नहीं हुआ है, काफी अच्छा है। तो ठीक है आप इसको भी ले सकती हैं आराम से, ये भी मैं आपको इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी। आई शेडो पैलेट्स है और ये भी बहुत सुंदर आई शेडो पैलेट्स है, इसके सारे कलर्स काफी डार्क है, मैं आपको ना एक बार लगा के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो इसके जो शेड्स है ना बहुत प्यारे हैं,
इतना डार्क कलर है गाइस, बहुत सुंदर शेड है इसके, इतने ज्यादा डार्क डार्क कलर्स है, कितना सुंदर पिगमेंट है देखो गाइस। और लाइट कलर का भी ना इतना सुंदर पिगमेंट है इसका, ये देखो लाइट है, पीच कलर है और इतना सुंदर पिगमेंट, बहुत ही सुंदर है गाइस, सारे कलर बहुत सुंदर है। और इसमें गाइस मैं तो जो है मैट में भी है और शिमर्स में भी है, तो मैं तो हाइलाइटर भी इन्हीं से ही अप्लाई कर लेती हूँ और ब्लशर भी इसी से अप्लाई कर लेती हूँ, आई शेडो भी इसी से अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप देख लो आपको ये पैलेट कैसा लगा, तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी वीडियो मेकअप की, जो कि मैंने मीशो से मंगाए और आपके साथ ये रिव्यूज इसके शेयर किए। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे भी प्लीज सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए और प्यारी प्यारी हॉल वीडियोस बनाऊं और जल्दी से जल्दी अपने मेरे इस चैनल को भी ग्रो करवाओ प्लीज। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।